गुड मॉर्निंग। प्रेयर शुरू करें। सीधा बैठें मगर बिना तनाव के बैठें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अंदर जाती हुई सांस, फिर बाहर जाती हुई सांस, उन्हें जानते रहें। अवेयरनेस होश बनाए रखें। बिना कोई कामना किए सांस को जानते रहें। न ज्यादा सांस चाहिए न कम सांस चाहिए, जितनी आ रही है जितनी जा रही है उतनी चाहिए। पूरे स्वीकार भाव के साथ चलता रहे। सुर ताल में प्रार्थना करनी है। सुर में प्रार्थना करनी है यानी ऐसे शब्दों में प्रार्थना करनी है जिसमें आनंद प्रेम श्रद्धा की फीलिंग निर्माण होती है, जिस फीलिंग में खुशी महसूस होती है, जिस संगीत में खुशी महसूस होती है वह सुर है। जो शब्द दुख पहुंचाते हैं वह असुर है। हर इंसान के अंदर तोलू मन असुर है, जिसे सुर ताल में लाना है। तोलु मन जब ईश्वर के सामने झुकता है तब सुर प्रार्थना निकलती है। सभी आंखें बंद करें और सुर को सेट करें, ताल को ठीक करें, श्रद्धा के भाव लाकर एहसान मंदी के भाव में प्रार्थना करें। इस प्रार्थना में तोलू मन ईश्वर के सामने झुकता है। जब मन झुकता है तब होती है सुर प्रार्थना। प्रार्थना के भाव में असुर संपूर्ण समर्पण का अनुभव पाकर विलीन होता है। फिर रहता है सहज मन। सहज मन के कार्य रचनात्मकता, प्रेम, आनंद, मौन बांटने का कर्म, इम्पर्सनल निस्वार्थ कर्म। इसी समझ के साथ प्रार्थना में अपने तोलू मन को समर्पित करें। हे ईश्वर, मेरा तोलू मन, कॉन्ट्रास्ट मन, कल्लू मन, जो भी आपकी क्रिएटिविटी में, आपकी रचनात्मकता में बाधा है वह समर्पित करवा लो। हे ईश्वर, सारे कार्य आपकी कृपा से चल रहे हैं। मन क्रेडिट लेकर, श्रेय लेकर इसे अपना समझता है। इस अज्ञान को दूर करो,
तोलू मन को समर्पित करवाओ। सुर प्रार्थना चलती रहे। जब भी घटनाओं के बीच में निर्णय लेना हो तब अंतराल लें, पॉज लें। इस पॉज में रुककर टॉस करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद जो निर्णय होगा वह सबके मंगल के लिए होगा। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, यही कामना होगी। इस कामना से निर्णय लें, पॉज का इस्तेमाल करना सीखें। कई जगहों पर दिन में पॉज लेने की हैबिट डालनी है। पॉज यानी अंतराल, गैप, समय दान करना सीखें। पॉज में रुककर आप समय दान करते हैं। दो घटनाओं के बीच में समय दान में आपको मिलता है समाधान, क्योंकि वह समाधान आपके हृदय से आता है, ईश्वर से आता है। यह समाधान सबका उपचार करता है, सबकी इच्छाओं को शुभ इच्छा की तरफ मोड़ता है। विश्व में जो बीमारी फैली है, डर बढ़ा है, समृद्धि घटी है, उसका समाधान अंतराल में मिलता है, प्रार्थना से होता है। अंतराल को बीच में लेकर आएं, यह समय आपका दान होता है मगर समाधान लाता है। सभी के लिए प्रार्थना, अंतराल में हर दिन करें। 9:09 पर पॉज लें, विश्व के लिए, अपने लिए, रिश्तों के लिए, स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करें। शुभ्र प्रकाश को पृथ्वी पर उतरते देखें, सबका उपचार हो रहा है, अज्ञान मिट रहा है। ऐसे भावों से, हृदय से प्रार्थना करें। ध्यान के अंत पर जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वे ध्यान जारी रखें, जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे ध्यान समाप्त करेंगे।